नमस्कार दोस्तों, ऑटो घोषणा के चैनल पे स्वागत है गाइस। और आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ हुंडई की अपकमिंग I20, जो इंटरनेशनल मार्केट में I30 NH पे हैचबैक होती है, उसी के बेस प्लेटफॉर्म पे इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, तो उसी के जानकारी सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड चैनल पे गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट हमारी ओर से आप मिस न कर पाए। तो सबसे पहले उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूं तो उस कार जब I20 इंडियन मार्केट में फेशली वर्जन आएगी तो इस कार की प्राइस 6 लाख रुपीज से स्टार्ट होगी एंड 11 लाख रुपीज में आपको ये कार मिल जाएगी। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट शेड्यूल की गई है इंडियन मार्केट में अगस्त 2020 में। और ये कार उसका जो डिज़ाइन होगी वो काफ़ी आपको अलग दिखने को मिलेगी। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म पे होगी इंटरनेशनल मार्केट में, जो I30N हैचबैक आती है उसी के बेस्ट प्लेटफॉर्म की आपको ये कार मिल जाएगी। उसकी इंजन पावर की बात करूँ तो हुंडई ने अपनी कंफर्म किया कि पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन अपने I20 का कंफर्म कंटिन्यू रहेगा। और उसकी इंजन पावर आपको 3 इंजन मिलेगा, जो पहला होगा उसमें आपको 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम पावर 118 BHP एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल जाएगा 172 Nm का। दूसरा इंजन मिलेगा जिसमें आपको 1.4 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको BS6 नॉर्म्स को फुलफिल करा करेगा, मैक्सिमम पावर 89 BHP एंड टॉर्क आपको मिल जाएगा 220 Nm का। इस कार में आपको 1500 टू 2750 RPM आपको मिल जाएगा, जो आने वाली अपकमिंग टाटा अल्ट्रोज यानी कि जो टाटा अल्ट्रोज आएगी इससे साथ ही इसके डायरेक्टली राइवल होगी। फिर भी दोस्तों तीसरा इंजन की बात करें तो उसमें आपको 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज मिलेगा इंजन, जो आपको हुंडई की वेन्यू में जरूर दिखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ साथ उसमें आपको CVT का ऑप्शन भी दिया जाएगा। और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसमें आपको DCT भी मिल जाए, जो आपको हुंडई वेन्यू में मिल जाती है। लेकिन ये कार जब इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी वो डायरेक्टली कम्पीट करेगी अपने सेगमेंट में आने वाली मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा ग्लांजा, होंडा जेज, वॉक्सवैगन पोलो और टाटा की अपकमिंग टाटा अल्ट्रोज जैसी कार से। ये तो दोस्तों बात हुई थी उसकी कंपटीटर की, लेकिन अब बात करते हैं उसकी स्टैंडर्ड फीचर्स, मतलब ये कार कब कितने स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ आएगी। स्टैंडर्ड फीचर्स मतलब कितने आपको टॉप एंड वेरिएंट में फीचर्स मिलेंगे और बेस एंड वेरिएंट में आपको कितने फीचर्स मिल जाएंगे। तो ABS आपको मिलेगा, ABD मिलेगा, ड्यूल एयरबैग्स मिल जाती है, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर एंड को ड्राइवर मिलता है, स्मिट अलर्ट सिस्टम्स मिलती है, स्पीड एंड इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक मिल जाती है। अपर वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको 6 एयरबैग्स के साथ साथ स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा, हिल स्टार्ट असिस्ट मिलेगा, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ साथ आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मोड में रियर पार्किंग के साथ साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के अलावा आपको टॉप एंड वेरिएंट में LED हेडलैम्प्स भी इस कार में दिए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आने वाली I20 जो होगी 2020 फेसलिफ्ट, वो काफ़ी एक फीचर लोडेड हैचबैक सेगमेंट में आने वाली है। और हाल ही में अगर आप एक I20 हैचबैक सेगमेंट में खरीदना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो टाटा की अल्ट्रोज है वो भी आप परचेस करना कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक काफ़ी अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छी एक सेफ्टी मिल जाती है। और टाटा भी क्लेम करता है कि उसमें आपको NCAP में 5 क्रैश जरूर मिलेंगे। तो अगर आप आने वाले दिनों में जो हैचबैक बढ़िया सा पैकेजिंग वाली खरीदना चाहते हो तो दोनों कार आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो ये बात फाइनल है कि आने वाली I20 में आपको सनरूफ मिल जाएगा और बूट स्पेस होगी वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी I20 जो आने वाली है 2020 में। और एक्सटीरियर की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि जो उसका जो फ्रंट है वो आपको पूरा चेंज दिखने को मिल जाता है, साइड प्रोफाइल आपको पूरी चेंज दिखने को मिल जाएगी, उसका जो व्हील बेस होगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और पीछे से काफ़ी स्पॉटी लग रही है। उसकी जो रियर लाइट देखें या फिर उसका हुंडई का एम्बलम देखें वो भी आप देख सकते हैं। और जो आपको पहले भी अभी चल रही मार्केट हुंडई 2020 में आपको फक्त दोनों व्हील में आपको डिस्प्ले मिलती थी, लेकिन आने वाली 2020 में आपको चारों व्हील में डिस्प्ले मिल जाएगी, जो अपनी पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाए रखेगी अपनी इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा हैचबैक सेलिंग बेचने के कारण। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर आपको एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रिवाइज डैशबोर्ड के साथ साथ मटेरियल क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी, स्टीयरिंग व्हील्स काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, लार्ज टच स्क्रीन एंड उसमें भी आपको ब्लू लुक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी आपको इस कार में दिखने को मिल जाएगी। तो ऑल ओवर जो अपकमिंग I20 होगी वाइडर होगी, लॉन्गर होगी, डायरेक्टली इम्पैक्ट अपनी उसकी कैबिन पे पड़ेगी, क्योंकि जो वाइडर एंड लॉन्गर होने की वजह तो यही रहती है कि अपने पैसेंजर के लिए सबसे ज़्यादा रूम, मतलब कि पैसेंजर रूम और लेग रूम काफ़ी अच्छा इस कार में दिखने को मिल जाएंगे। तो ये कार जब जैसे ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो क्या आप इस गाड़ी को खरीदना पसंद करते हो या फिर नहीं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड गाइस, जितनी भी जानकारी मीडिया द्वारा हाल फिलहाल लीक हुई है ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली, वो सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट हमारे ओर से आप मिस न कर पाए। थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए।